प्रेरणा कथा अंधी बेटी। परिणीता और कृष्णा का विवाह एक वर्ष पहले हुआ था। उनके परिवारों ने ही उन दोनों को मिलाया था, क्योंकि उनके गांव में प्रेम विवाह के बारे में तो सोचना भी पाप माना जाता था। परिणीता लड़की थी, इसलिए उसको हाई स्कूल से आगे पढ़ने भी नहीं दिया गया था। गांव में अधिकांशतः लड़कियों को सिर्फ 5 कक्षा तक ही पढ़ाया जाता था। परिणीता के पति कृष्णा ने बीएससी पास किया था। वो समझदार था, इसलिए गांव के और पतियों की तरह कभी भी परिणीता पर हाथ नहीं उठाता था। परिणीता अपने आप को भाग्यशाली मानती थी। एक दिन परिणीता के गर्भ ठहर गया। परिवार में सभी लोग बहुत खुश हुए और एक प्रकार का उत्सव मनाया गया। उसके पति और पति के परिवार के सदस्य परिणीता की देखभाल एक बच्चे की तरह करने लगे। एक दिन परिणीता अपने चाचा की बेटियों के साथ बात कर रही थी। उन्होंने पूछा, परिणीता तुमको लड़का चाहिए कि लड़की? परिणीता ने कहा, लड़का या हो या लड़की, मुझे तो दोनों ही प्यारे होंगे। मेरा बच्चा मेरा अपना बच्चा होगा। परिणीता के पति को भी लड़की या लड़के में कोई फर्क नहीं मालूम होता था। परिणीता नहीं जानती थी कि उसकी कही हुई बात गांव में इतनी बड़ी हो जाएगी। परिवार के सभी लोगों को लड़का ही चाहिए था। 2 महीने के बाद जब वो उसका परीक्षण कराने के लिए अस्पताल ले गए, परिणीता को मालूम चला कि वो लोग ये जानना चाहते थे कि लड़का था कि लड़की। वो खुद को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगी। डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया। जब उसको बताया गया कि उसके पेट में बेटी थी, वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। परिणीता जानती थी कि वो लोग उस बेटी को कभी भी इस दुनिया में नहीं आने देंगे। उसके परिवार के सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए थे और सभी उसको खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। बच्चे को गिराने की बातें होने लगी। ठीक उसी समय उसके पति कृष्णा ने आकर सबको चुप करा दिया। वो उसको अस्पताल से घर ले गया और फिर तो घर पर रिश्तेदारों के साथ उसका खूब झगड़ा हुआ। उसने वो शहर ही छोड़ देने की धमकी दे दी। अपने बच्चे को बचाने के लिए कृष्णा और परिणीता दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे। कृष्णा को वही अच्छा काम मिल गया। 9 महीने के बाद परिणीता ने अपनी बेटी को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद उनको मालूम चला कि उनकी बहुत ही सुंदर बेटी अंधी थी। वो जन्म से ही अंधी थी। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कुछ नहीं हो सका। उसके पति को मालूम चला कि उसके परिवार वालों के कहने के अनुसार डॉक्टर ने उसको कोई ऐसी दवाई दे दी थी जिससे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई थी। वास्तव में वो दवाई बच्चे को गिराने के लिए दी गई थी। पति पत्नी का दिल टूट गया, पर अब वो अपनी प्यारी बेटी को अस्पताल से घर ले गया। कुछ बड़ी होने बाद उन्होंने उसको शहर के अंधे बच्चों के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कर दिया। बेटी बहुत ही चतुर थी। दोनों ने उसको खूब पढ़ाने का निर्णय लिया। कृष्णा तो आधी से ज्यादा तनख्वाह अपनी बेटी पर ही खर्च कर देता था। वो पढ़ती गई और बड़ी होती गई। उसने स्नातक की परीक्षा भी बहुत अच्छे अंकों से पास कर लिया। एक दिन उनके डॉक्टर ने परिणीता और कृष्णा से कहा कि एक नया इलाज आया है जिससे शायद उनकी बेटी की आंखें ठीक हो सकती थी। कृष्णा और परिणीता दोनों ही अपनी आंखें अपनी बेटी को दान देने को तैयार हो गए। दोनों ने बेटी को उसके इलाज के लिए विदेश ले जाने का निर्णय लिया। उनके पास उतने पैसे नहीं थे जितने खर्च होने वाले थे, परंतु दोनों ने एक वर्ष बहुत परिश्रम किया और काफी पैसे जोड़ लिए। एक दिन वो अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया। अचानक उनकी बेटी ने कहा, विदेश जाने से पहले मैं गांव में अपने दादा दादी और नाना नानी से मिलना चाहती हूँ। कृष्णा और परिणीता उसको लेकर गांव चले गए। वो लोग 20 वर्षों बाद गांव वापस आए थे। परिणीता को देखकर सब खुश हुए।
परंतु वो अफसोस करने लगे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की देख नहीं सकती थी। शाम को उनकी बेटी ने कृष्णा और पंडिता से कहा, मैं विदेश नहीं जाऊंगी, यहाँ गांव में 90% से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ये तो अपराध है, ये लोग बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, मैं यहीं रहूंगी और इस गांव को बदल दूंगी। पंडिता और कृष्णा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कृष्णा ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। विदेश जाने के लिए मैंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन पैसों से तुम यहाँ एक स्कूल खोल लो और लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। उनकी बेटी की अंधी आंखों में आंसू आए और वो बोली, मम्मी पापा, काश यहाँ के सभी बच्चों के माँ बाप आप जैसे होते तो एक भी बेटी नहीं मरती और एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहता। कृष्णा और पंडिता ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मित्रों, भारत में हजारों गांव ऐसे हैं जहां अभी भी ये कुप्रथा जारी है, लाखों बेटियां गर्भ में ही मार दी जाती हैं, हजारों ऐसे गांव हैं जहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता। काश इस देश में बहुत से कृष्णा और पंडिता होते। बहुत बहुत धन्यवाद।